ठीक है, लेकिन परेशानी इस बात का हो गया कि ये जो सामने का जमीन देख रहे हैं आप लोग, हमारे घर के जस्ट बगल में है, तो ये भी स्टार्ट कर रहा है। ये लगभग साल भर से जानते हैं लोग, आज चला कि सुबह ये बाहर निकला था तो इसको आए थे ये लोग, बालू बालू सब गिरा रहा है शायद, ये सब समझ में आया हमको, तो बोल रहा है क्या जानते हैं कि, तो मैं बहुत परेशान हूँ, और चूंकि हमें रहना तो इसी जगह पे है, अकेली भी हूँ, जब इतना दूर तक लोग सक सोच सकता है तो परेशान ही कर सकता है। राधे राधे दोस्तों, पिक्चर से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी साहब निवरदान है, कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे प्लीज़ फॉलो कर ले, जो यूट्यूब पे देख रहे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक सलाह चाहिए, क्योंकि मैं किसी परेशानी में पड़ने वाली हूँ, ऐसा मुझे सुबह से अंदेशा लग रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और आप सभी को पता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ठीक है, मेरे घर में जो आदमी है वो है भी नहीं भी है ना, और ये कोई झूठ बात नहीं है, आप सभी को पता है। और ये इस तरीके का जब परिवार रहता है ना, तो बहुत से बाहरी लोग ऐसे होते हैं जो परेशान करने का कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरा पैर भी ठीक नहीं है, तो मैं तो बहुत स्ट्रोंग हूँ ये मुझे पता है, लेकिन अगला जो है ना इसको दूसरे वे में लेता है, सबको लगता है कि मैं शायद कमज़ोर हूँ, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, करना चाहेगा। हालांकि ये बात हमको सुबह ही पता चला, तो तब से मैं सोच रही हूँ कब आप लोग से इस विषय में बात करूँ, क्योंकि टेंशन मुझे बहुत हो रहा है, बहुत 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 ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें फ्यूचर तक का बात है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और सही क्या है गलत क्या आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे उतनी ही हिम्मत मिलेगी, और लगेगा कि नहीं, मेरा पूरा दुनिया ही मेरा परिवार है, मुझे कोई कभी नहीं नुकसान कर सकता है, कुछ मुझे या मेरे बच्चों को किसी चीज़ का खतरा नहीं होगा। तो क्या है ना दोस्तों, इधर बड़ी तेज़ी से घर बन रहा है, ठीक है, मेरा घर तो बनने हुए 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से हम लोग कंटिन्यू यहाँ पर रह रहे हैं। और इधर का एरिया में मैं दिखा रही हूँ, जो ब्लू वाला गेट है वो घर बहुत पहले से था, आगे वाला वो सबसे वहाँ पे जहाँ पे आपको कुछ आदमी लोग नज़र आ रहे होंगे, ये वाला घर, ये घर पहले से था, बाकी उसके पीछे का घर, वो घर, इधर का घर, ये वाला घर, ये सब घर, हटना यहाँ से, हट, ये सब घर बहुत बाद में बना है, ठीक है, मतलब हम लोग के आने के बहुत बाद में, इतना सारा घर हमारे घर बनने के बाद बना है। और इधर भी क्या है कि घर बनना शुरू हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब कि चलो अब इधर घर बन रहा है, कंप्लीट हो रहा, तो खुश थी मैं कि चलो इधर घर बन जाएगा, इधर फैमिली हो जाएगी, तो हमारी क्या है कि सेपरेट भी होगा, प्लस अच्छा इधर जो सुनसान का माहौल है वो भी नहीं होगा। वो पीछे देखिए, पीछे घर में बना हुआ आदमी कुछ लगा हुआ होगा, वो घर बन रहा है, तो उधर का ना रास्ता उस साइड से है, पीछे तरफ से उधर से आने का, इधर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन परेशानी इस बात का हो गया कि ये जो सामने का ज़मीन देख रहे हैं आप लोग, हमारे घर के जस्ट बगल में है, तो ये भी स्टार्ट कर रहा है। ये लगभग साल भर से जानते हैं लोग आता है जाता है देखता है, मतलब मुआवजा करता है यहाँ पे क्या तरक्की हुआ है, क्या लोग रह रहे हैं, तो जब अब घर बनने लगा है तो ये भी शुरू कर रहा है, तो अच्छी बात है, बना रहा है, इसमें मुझको भी अच्छी बात है, खुशी की बात है। और जब हम लोग इन लोग शुरू में ये थोड़ा सा बाउंड्री दीवार वगैरह कर रहा था, उसमें भी हम लोग से मोटर वगैरह मांगा था पानी वानी के लिए, पाइप वाइप, और जो कढ़ाई कुदाल ये सब होता है, तो हम लोग हेल्प किए, तो जो पड़ोसी के नाते होता है कि हम पहले हैं, तो भाई अब जिसको नीड होगी तो होता ही है, वो हमको करेंगे हम उनको करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किया था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी क्या पता चला कि सुबह ये बाहर निकला था तो इसको आए थे ये लोग, बालू वालू सब गिरा रहा है शायद, ये सब समझ में आया हमको, तो बोल रहा है क्या जानते हैं कि ऊंचा करने के लिए, ऊंचा घर बनाएगा मतलब ज़्यादा ही, तो हमारा क्या है ना ये वाला प्लॉट नीचे है, ठीक है, और उधर का जो देख रहे हैं वो दूसरा प्लॉट है, जो वो घर है वहाँ से यहाँ तक उधर दूसरा प्लॉट है, और यहाँ से जो स्टार्टिंग है, यहाँ से जो स्टार्टिंग है वो ढलाई वाला है, मतलब ये नीचे वाला टाउन तरफ का, तो हमारा प्लॉट अलग है, ठीक है। तो हमने 1.5 साल पहले घर बनाया है, तो हम यहाँ पे बहुत जितना मिट्टी भरना था हम यथासंभव भरे हैं, ठीक है। तो अब बाकी लोग घर बनाएगा तो इस हिसाब से तो जो हमारा घर बना है उसी लेवल में बनना चाहिए, है कि नहीं। अब देखिए हम गलत तो नहीं बोल रहे, अभी वो कह रहा है नहीं हम ऊँचा बनाएंगे, मतलब उधर का जो प्लॉट है उस लेवल में वो बनाना चाहता है, ठीक है।
अब बोले कि वो उस लेवल में बना लेगा तो फिर हम तो सिंगल पड़ जाएंगे, क्योंकि इधर जो बनेगा वो भी इसको देख के बनाएगा, इधर जो है वो भी बनाएगा, वो भी बनाएगा, तो सबसे डाउन एरिया हमारा हो जाएगा। अब सोचिए कि जितना भी पानी है बरसात का चाहे कुछ भी, तो सोचिए वो तो हमें अफेक्ट करेगा, बाकियों को तो नहीं करेगा, क्योंकि बाकी लोग तो हमारे लेवल से इतना बना लेगा। और यहाँ पर आप लोगों ने पिछले साल देखा था जब बारिश होती है तो यहाँ पर तालाब जैसा माहौल हो जाता है, आप सब ने देखा। अब बताओ क्या मैं उसे घर बनाने दूँ इतना ऊंचा करके, क्या ये सही रहेगा? अब क्या मैं तोड़ के अपना घर तो नहीं बना सकती हूँ ना, कि वो ऊंचा कर रहा तो हम भी पूरा तोड़ लेते हैं और हम भी बनाते हैं। हाँ, तो वो अभी सिर्फ एक बात पता चला है, ऐसा डिस्कस वो लोग कर रहा था, ठीक है, ये बोला भी कि नहीं जितना लेवल में हमारा है उसी लेवल में आप बनाइए, लेकिन वो बोला नहीं बाद में दिक्कत होगा, तब उधर सबका ऊंचा है तो वो दूसरा प्लॉट है, हमारा दूसरा है, तो इस हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर आप पहले बनाए रहते तो हम आपके हिसाब से चल रहे होते। तो मैं बहुत परेशान हूँ, और चूंकि हमें रहना तो इसी जगह पे है, अकेली भी हूँ, जब इतना दूर तक लोग सक सोच सकता है तो परेशान ही कर सकता है, क्योंकि वो बहुत पहले से देख रहा है, जान रहा है कि यहाँ पे लोग रहते हैं, इनका घर कितना हाइट पे है, तो उसी हिसाब से हमारा बनेगा। मगर अगर वो इस तरह का बात बोला है तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में बहुत कुछ है, ऐसे ही कोई नहीं बिना प्लानिंग के कोई भी बात कर लेता है। तो आप सब हमको कमेंट में अपना राय ज़रूर 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 लिखिएगा, है ना, क्योंकि अकेले इंसान को सब लोग बहुत तंग करता है, और अब हमको इतना अजीब लग रहा है कि क्या ही बोले, पूरा भविष्य तक सोचिए कि अगर अभी हम नहीं करते हैं, एक बार अगर इन लोग बना लेता है तो हमेशा के लिए हम परेशान हो जाएंगे। और इतना मुश्किल से तो हम ये वाला घर बनाए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम दूसरे जगह घर बनाए और हम रह पाए, यहीं पर रहना है, यहीं पर करना है, हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और वीडियो शेयर करिए, ताकि कुछ गलत होने से पहले ही लोग सचेत हो जाए, ताकि हमको भी परेशानी ना हो और अगला का हिम्मत भी ना बढ़े। हम यही कहेंगे, हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, अब तक मैं विनती नहीं करती थी लेकिन अभी मैं विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो अपने परिवार का साथ तो देना ही पड़ेगा, आप लोग हैं मेरे परिवार, हमको पता है कि अब तक आप लोग चुप रहते क्योंकि कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ तो आप सभी को बोलना ही पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए आज मैं लूँगी विदा, और अगर जैसे जैसे ही कुछ ऐसा कुछ होगा मैं आप लोग को फिर से अपडेट करूँगी, ठीक है, और आप लोग इसमें कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए।